सो हेलो फ्रेंड्स, रोनो हियर। सो गाइज, आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप के जो मैसेज फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन है, यानी कि कोई भी मैसेज आपके इनबॉक्स में आता है उसको आप फॉरवर्ड करते हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, एक चेंजेस है। सो क्या है ये चेंजेस बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रोनो और फिर से स्वागत करता हूँ आपको टेनी टेक यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, स्टार्ट दिस वीडियो विद लॉट्स ऑफ फन। गाइस, आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो सिचुएशन है मार्केट का या होल इंडिया का, उससे उसके ऊपर बेस करते हुए व्हाट्सएप ने ये फैसला लिया है कि आज से अगर आप अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप किसी भी टाइप के कोई भी मैसेज को शेयर करते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं, उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि आपके फ्रेंड आपको कुछ मैसेज भेजे हैं उसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पहले 5 लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते थे तो आप सिर्फ 1 ही लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सभी लोग जानते हैं क्यों व्हाट्सएप ने ऐसा फैसला लिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिया का प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसमें बहुत ही फेक न्यूज़ जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू सब लोगों के पास जा रहा है। इसलिए व्हाट्सएप ने ये फैसला लिया है कि आप अगर आप व्हाट्सएप अपडेट करते हैं उसके बाद से किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे वो सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट में फॉरवर्ड होगा और 5 कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। सो ये रहा एक अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से। एंड अदरवाइज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक व्यूअर्स को जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ यार कोई फेक न्यूज़ शेयर करने से पहले उस न्यूज़ के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिएगा कि वो न्यूज़ फेक है कि सही है, उसके बाद ही फॉरवर्ड करना। ऐसे बहुत लोग हैं फॉरवर्ड के ऊपर ही अपना कंसंट्रेशन जो है व्हाट्सएप को देता है, यानी कि कोई भी मैसेज मिल जाए तो उसको तुरंत ही वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कोई भी सोचने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, मैसेज आया धन फॉरवर्ड कर दिया। सो ऐसा नहीं करने का, अगली बार से अगर ऐसा करना है तो प्लीज़ यार न्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लो उसके बाद शेयर करो। सो व्हाट्सएप की तरफ से ये बहुत बढ़िया एक अपडेट है जो मुझे बहुत पसंद आया। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। सुन गाइस, जाते जाते एक ही बात बताऊंगा यार, आओ मेरे चैनल पे ले जाओ ज्ञान और जपो ट्रेनिंग टेंशन बाबा के नाम से। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस, स्टे विद माय चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।